तो आज हम आपको जम्मू में लेकर आ गए हैं बिट्टू फिश कॉर्नर। इनकी जो फिश है पूरे जम्मू में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनके जो फिश फ्राई है लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए चलते हैं, इसकी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इन्होंने मैरिनेटेड फिश रखी हुई है और बढ़िया तरीके से इसको मैरिनेट किया है और अब यहाँ पे लगा रहे हैं इसको। अंकल जी अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम है राजेश कुमार, लेकिन बिट्टू के नाम से जानते हैं सारे। चलो बिट्टू के नाम से जानते हैं। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे फिश लगाते हुए? भैया हमारे दादाजी ने शुरू किया था 1949 में। 1949 में? हाँ। तब से यहाँ पे फिश लगा रहे हो? हाँ यहीं पे लगा रहे हैं तब से। हमारा फिश को बड़ा यहाँ पे लगने जा रहा है। पीसेस देखो कट करके रख लिए उन्होंने। अब इसको मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन हम ज़्यादा नहीं लगाते हैं, हल्की सी कोटिंग देनी पड़ती है। अच्छा, हल्की सी कोटिंग देते हैं? हल्की सी कोटिंग, बिल्कुल हल्की सी। तो देखो तो फिश को हल्की सी इन्होंने कोटिंग दे दी है और बढ़िया से मसालों में मिक्स कर लिया। तो हमारा ऑयल में अब फिश पकौड़ा लगने जा रहा है। तो देख सकते हो गर्मा गर्म तेल में हमारी फिश यहाँ पर रेडी हो रही है। बढ़िया सा इसका पकौड़ा भर के रेडी होगा, जो कि जम्मू के लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पकौड़े बनके रेडी हो चुके हैं, एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये गर्मा गर्म फिश के पकौड़े यहाँ पे लग चुके हैं और अब इसको निकाल लिया जाएगा। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, मैरिनेशन बहुत ही अच्छा हुआ इसका। और साथ में जो इसमें मसाले लगाते हैं तो कितने देर मैरिनेट करके रखते हैं? मैरिनेशन तो उसको सुबह से ही कर देते हैं, 7-8 घंटे पहले करके रख देते हैं मैरिनेशन। प्राइस क्या रहता है पकौड़े का सर? ये 250 रुपीज़ की, 250 ग्राम है। और चटनी कौन सी रहती है आपका? चटनी है भैया अनारदाना है, इसमें पुदीना धनिया हरी मिर्च। तो अंकल जी यहाँ की फिश किस किसने ट्राई की है? यार जम्मू में तो तकरीबन सभी आते थे फिश खाने के लिए। अच्छा। जितने भी हैं जैसे चीफ मिनिस्टर वगैरह, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सभी आते थे मेरे पास, इधर खड़े होकर फिश खा के जाते थे। तो जम्मू में बिट्टू फिश कॉर्नर की फेमस फिश पकौड़ा यहाँ पे लग चुका है। तो मैंने भी मिल्क प्रोडक्ट खाया है, बट मेरी जगह आज दुग्गल ब्लॉग जो है वो इसको टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो वैसे तो अभी खाने से पहले मैं इतना कहूँगा कि इसके अंदर ना फ्रेशनेस एक पता लग रही है, क्योंकि ये देखो काफ़ी आराम से ना टूट रही है, एक सॉफ्टनेस जो है इसके अंदर पता लग रही है। तो इसको चटनी के साथ ट्राई करेंगे पहले। तो इनकी अनार की चटनी रहती है? अनारदाने की चटनी होती है, तो चटनी लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका अपना फ्लेवर है ना वो पूरा इसके अंदर बरकरार है। क्योंकि आपने देखा मेकिंग के अंदर कि इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं लगाया और एक्स्ट्रा जो है इसके ऊपर ये लेयर भी नहीं लगाई। और जो कोटिंग है इनकी बहुत ही ज़्यादा पतली है। इन्होंने ना ये ऊपर से जो फिश की स्किन है पूरी रिमूव नहीं की है, जिसकी वजह से फिश का जो अपना एक फ्लेवर है ना वो एक एनहेंस हो गया बढ़िया तरीके से, और अनार दाने की चटनी के साथ जो उसका फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये फ्रेश वाटर की फिश होती है, जो कि ये हिमाचल से लेके आते हैं रोज, नूरपुर से ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे फिश जो है डेली आती है और डेली की डेली इनकी ख़त्म हो जाती है। तो जी दुकान की टाइमिंग क्या रहती है? शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक। 9 बजे तक रहती है? हाँ 9:30 बजे तक ऑफ हो जाता है। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं? ये ट्यूजडे को ऑफ रहता है, बाकी दिन ओपन रहता है। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे फिश ट्राई करने के लिए आना हो। रेजिडेंसी रोड पे बिट्टू दुकान, JKTDC के बाहर। तो अगर आपको भी जम्मू में बढ़िया सा फिश पकौड़ा खाना है तो बिट्टू फिश कॉर्नर में आके आप टेस्ट कर सकते हो। बाकी डुग्गर ब्लॉग्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अब इसको ये जल्दी से फिनिश करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।